अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम जो हैं हमारी एक नई वीडियो के साथ जो हैं आए हैं, इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी बुक का चैप्टर नंबर 3 का एक और क्वेश्चन। ये है हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि आपको पता है कि ये भी आपके पास बोर्ड में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। इसकी स्टेटमेंट ये है कि भैया हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 12 मीटर्स पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर्स अबव द ग्राउंड, अ पैकेज इज ड्रॉप्ड, हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक्स टू रीच द ग्राउंड। अब इस वीडियो में हम जो है आपको बताएंगे आप ये न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कैसे कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए अभी तब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले मैंने बताया था आपको, सबसे पहले इस स्कीमेटिक पे जो है हम जो है ज़रा नज़र डालते हैं और समझते हैं कि ये स्कीमेटिक है क्या। चलिए जी, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि हमने स्कीमेटिक में ये समझा कि आपके पास एक हेलीकॉप्टर है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है और इसकी स्पीड कितनी है 12 मीटर्स पर सेकंड, और उसने इस स्पीड पर एक जो है पैकेज ड्रॉप किया। अगर ये पैकेज रुकी हुई स्पीड पर दिया गया होगा तो ये फ़ौरन नीचे आता, लेकिन इसके पास को जो स्पीड है तो ये फ़ौरन नीचे नहीं आएगा, पहले ये कहाँ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो उसको हमने नाम दे दिया 1 से लेकर 2 तक का। अपवर्ड थ्रो का केस है तो इनिशियल कंसिडर किया जाएगा जी, लेंगे इस केस में हम लोग -9.8 और वी एफ ले लिया जाएगा 0। अब आपको यहाँ पर दो चीज़ें निकालनी है, टाइम T1 और H1। फिर पैकेज ऊपर से रुकेगा नहीं बल्कि ऊपर से नीचे आएगा, तो उस केस को हमने कह दिया 3 से लेकर 4। अब देखें ये थ्रो का केस था तो फाइनल 0, ये ड्रॉप का केस है, ड्रॉप के केस में अगर आपको सबको याद हो जी को लेते हैं पॉजिटिव और इनिशियल को निगलेक्ट कर देते हैं तो VI 0, और यहाँ पर आते आते वेलोसिटी हो जाएगी VF, जो उसमें नहीं पूछी नहीं, हमने लिख दी खाली। तो एक बात समझ में आई कि यहाँ की जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी थी वो यहाँ पर आते आते क्या बन गई उसकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये सब चीज़ें मालूम करनी है। अब अगर मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँ तो इस न्यूमेरिकल को शॉर्ट सॉल्व करने की सबसे सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है वो हम ज़रा इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये आपको समझ में आएगी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की सिंपल सी एक शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक ये है भाई इसको सॉल्व करने की कि अगर आपको मैं ये वाला फॉर्मूला जो है क्लियर करके दिखा सकूँ कि हाँ भाई, तो अब मैं आपको एक फॉर्मूला जो है क्लियर करके दिखा सकता हूँ। इसको सॉल्व करने का जो सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है वो है ये, अगर आपको समझ में आ जाए तो ये शॉर्ट ट्रिक है कि आपको चार चीज़ें सीक्वेंस में मालूम करनी है। अगर आपने इस सीक्वेंस में चारों चीज़ों को मालूम किया तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई मसला नहीं आएगा। सबसे पहले मालूम करना है T1 जो कि ऊपर जाने वाला टाइम था, H1, H2 और T2 सबके फिक्स फॉर्मूला है, सिर्फ इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आती है वो हम अभी समझते हैं। चलिए, अब अगर हम इसे स्कीमेटिक को अपने सामने रख के इन सब चीज़ों को जो है बारी बारी समझते रहें तो हमें ये बात समझ में आएगी कि हमें सबसे पहले जो चीज़ हमें मालूम करनी थी वो हमारे पास क्या थी भाई, हमारी T1 था। तो T1 को निकालने के हमने इक्वेशन यूज़ करी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, थ्रो का केस था तो VF हो गया 0, VI मालूम, VI गिवन था, अपवर्ड केस था तो माइनस, T1 मालूम करना है। तो T1 को सॉल्व करने के हमारे पास जो सिंपल सा फॉर्मूला आया वो बनाइए, सॉल्व किया आंसर आए। अब हमें निकालना है H1, H1 को निकालने के लिए आप चाहें तो थर्ड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो सेकेंड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन कोई ज़्यादा फैमिलियर है हम उसको यूज़ करते हैं, H1 VI T1 ये पहले वाला हाइट है और पहला वाला टाइम है। यहाँ पे वैल्यूज पुट की, पूरे को सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया 7.3। याद रखिएगा थ्रो का केस है तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा, माइनस रखा जाएगा। अब जो चीज़ निकाली थी हमारे पास क्या थी, H2। H2 को समझना लॉजिकल है तो हमें ज़रा इस डायग्राम को देखते हैं। H2 हमारे पास है यहाँ से लेकिन यहाँ तक की हाइट, तो अगर हम एक बात सबने साइड को बनाने में दो हाइट्स इन्वॉल्व हैं, एक तो ये हाइट जो हमने पहले मालूम की थी H1, और एक ये रिमेनिंग हाइट जो कि हमारे पास किसके बराबर थी भाई, 80 के बराबर थी। तो अगर हमें ये H2 निकालना है तो हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इसकी जो सिंपल सी इक्वेशन बनेगी उस डायग्राम से देख दिखा के हम लोगों ने इक्वेशन बना ली जो कि बराबर है H2 बराबर है H1 जो हमने पहले मालूम किया था, इज इक्वल्स टू 80। अब ये जो हाइट है कुछ भी हो सकती है, जो भी आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगी आप उसमें पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और उस न्यूमेरिकल में सॉल्व करके इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया भाई, 87.3। ठीक है, अब जो हमारे पास सिर्फ आखिरी चीज़ रह गई हमारे पास क्या रह गया था, सिर्फ T2। अब T2 जो है वो यहाँ से यहाँ तक का टाइम है तो हाइट जो इन्वॉल्व होगी वो कौन सी हो जाएगी हमारे पास, H2 हो जाएगी। उसको सॉल्व करने की हमने फिर से वो इक्वेशन लगाई, फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें अब हमने VI को 0 कर दिया क्योंकि ये ड्रॉप का केस था, इसमें VI 0 था, टाइम को हमने हर जगह T2 रख दिया, ये पूरा फैक्टर 0 हो चुका है, तो ये डिवाइड करते जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करते जाके डिवाइड, तो सॉल्व करके हमारा ये आंसर बना और ये हमारे पास की वैल्यू आ गई। अब हमसे कहा ही गया था उस न्यूमेरिकल में कि भी आपको जो टाइम निकालना है वो निकालना है
हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक्स टू रीच द ग्राउंड, तो पैकेज को ज़मीन तक आने में कितना टाइम लगा, पहले जाने का टाइम प्लस आने का टाइम। तो फिर आपने क्या किया, दोनों टाइम्स को ऐड किया, सॉल्व करके आगे पास सिंपल सा आंसर आ गया जो इसके बराबर है 5.4 सेकेंड्स के। ठीक है जी, तो हमने एक बार समझी कि हमें पहले टी वन निकालना है, एच वन निकालना है, एच टू निकालना है और टी टू निकालना है।